हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूडी गुनी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो फैमिली, आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूं। तो फैमिली, आज मैं आपके लिए मावा की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि हम घर पे बना सकते हैं। बहुत ही क्विक एंड ईजी रेसिपी और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में बन जाती है। फैमिली हम मार्केट में अगर हम लेने जाते हैं मावा, तो हम टेस्ट करते हैं कि वो फ्रेश है कि नहीं, और अगर फ्रेश नहीं होती तो हम नहीं ले पाते। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमें फ्रेश जो मावा होता है, खोआ जिसको बोलते हैं, वो हम नहीं ले पाते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर पे इसको ट्राई करें बनाते हैं, और जो चीज़ जिस जो हमें इसमें यूज लगेगा, वो तो एकदम ही हमारे घर में नॉर्मली चीजें मिलती ही है। ठीक है, तो फैमिली बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही इजी बन जाती है। ओके फैमिली, गपशप करते हैं बाद में और चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो फैमिली ये रहे हमारे कुछ मेजर से इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए हम बताते हैं हमने क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लिया है। तो फैमिली सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, और इन्हीं 3 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी कि मार्केट से बेस्ट या फिर मार्केट के बराबर ही हम इतना अच्छा मावा बना के आपको दिखाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि अब हमें मार्केट से नहीं, घर से घर पे ही बनाना है ये मावा। ओके तो फैमिली बताएं कि आपको यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है, ये फुल फैट क्रीम मिल्क है, ये 1/2 kg का मैंने अमूल का ले लिया है, ये रेड मार्क है आप देख सकते हैं। ओके मैंने यहाँ पे ये मिल्क ले लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, वो नो इशू। ठीक है, आप ये लीजिए, मैंने 1/2 cup के करीब मिल्क पाउडर ले लिया, ये 1/2 cup से थोड़ा सा कम में ही यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ मावा ले लिया है, यहाँ मिल्क ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया देसी घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बट और भी कोई चीज मत यूज करिएगा, हो सके तो बटर या फिर देसी घी ही यूज करिएगा, बेटर है। ठीक है फैमिली, ये रहे हमारे कुछ मेजर से इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सो फैमिली, यहाँ पे मैंने एक वोक ले लिया, इसे प्रॉपर अच्छे से हीट कर लिया है। इसमें 1 tablespoon के करीब मैंने देसी घी ऐड कर दिया है। ओके, इसे प्रॉपर अच्छे से हीट हो जाने देंगे हम, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, बस हल्का सा पैन तो हमारा हीट ही है। अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। ओके सो फैमिली, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छे से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा सौते कर लिया है। ओके और यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं छोटी छोटी बॉल्स बन गई हैं इनकी, तो डोंट वरी, परेशान ना होइए। क्यों? क्योंकि ये लम्स के तौर पे बनेगा जरूर, पर जब हमारा मिल्क बॉयल होगा ना, देन ये सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। ओके या फिर अगर आप चाहते हैं तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा ठंडा करके मैश भी कर सकते हैं। ठीक है, हल्का सा रब कर दीजिए, ये ऑलरेडी बहुत हल्का होता है, ये बस हल्का सा घी की वजह से हल्का सा थोड़ा सा टाइट हो गया है। ओके तो हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे पहले तो। इसमें आपको शुगर की नीड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका जो मिल्क है वो भी हल्का सा मीठा होता है, और आपने मिल्क पाउडर डाला है वो भी मीठा ही होता है। ठीक है, इस वजह से मैंने शुगर नहीं ऐड किए फैमिली। सो फैमिली, आप देख सकते हैं कि मिल्क कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और कितना ज़्यादा थिक भी हो चुका है, काफ़ी थिक हो चुका है। और जो हमने जो फुल फैट क्रीम मिल्क लिया था, उसकी वजह से जो मलाई है वो प्रॉपर बहुत अच्छे से निकल आई है। उसी से हमारा जो मावा है बहुत अच्छा थिक होगा। ओके, उसी रीजन से हम जितना इसको और कुक करेंगे उतना ये थिक होता जाएगा। ओके तो फैमिली, अब हम इसको और थिक कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। ओके
वैसे फैमिली अभी अगर देखा जाए तो ये जो है वो रबड़ी हो गई है, रबड़ी बन गई है, ठीक है। तो हमारी रबड़ी के बाद देन हम मावा बनता है, ओके। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो कॉर्नर्स में मलाई आती रहती है बस उसी को साइडिंग से कवर करते हुए और बस मिल्क में मिक्स कर दीजिए, बस साइडिंग कवर करते हुए देन मिल्क में मिक्स कर दीजिए, बस ऐसे करते रहेंगे उसमें मलाई जो है वो मिक्स होती जाएगी, देन हमारी जो वो और थिक होता जाएगा, जब थिक हो जाएगा देन हमारा जो मावा है वो रेडी हो जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है फैमिली ये। सो फैमिली आप देख सकते हैं जो हमारा मावा है वो हो चुका है रेडी। आई नो, मैं जानती हूँ आप यही कहेंगे कि ऐसा तो मावा नहीं होता है, बट ये भी कुकिंग प्रोसेस पे है इस वजह से एकदम मेल्ट है। अभी हम इसको सेट करके देन हम आपको दिखाते हैं, आप कहेंगे कि नहीं ये सच में मावा ही लग रहा है ना। तो रुकिए, हम आपको इसको सेट करके तब हम आपसे मिलते हैं, ओके। बस हमें कुछ करना नहीं है, एक बोल में इसको थोड़ी देर रख देना है, जब ये ठंडा हो जाए देन हम इसको यूज कर लेंगे, ओके। सो फाइनली फैमिली, जैसा कि अभी आपने देखा हमारा जो खोआ है, मावा है, दिखने तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है, और जैसा कि मैंने कहा कि इसे जब रखने पर ही सेट हो जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं, एक बोल लिया उसमें वो सारी मावा जो था वो मैंने निकाल दिया और 2 मिनट लगभग 5 to 10 मिनट्स के लिए उसको साइड में रख दिया, देन वो सेट हो गया और मैंने प्लेट में सर्व कर दिया, ओके। तो फैमिली हमारा मावा तो बड़ा अच्छा एंड बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, होप तो खाने में भी अच्छा ही हो, ओके। तो आप वेट करिए, मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि दिखने में इतना अमेजिंग और इतना सिंपल क्विक रेसिपी है तो खाने में कितना अमेजिंग होगा, ओके। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि मार्केट कंपेरिजन हमारा जो हमने बनाया है मावा वो अच्छा है भी कि नहीं, क्योंकि आप वेट करिए मैं इसे टेस्ट करके आपको। फैमिली अगर हम बात करें फ्लेवर वाइज तो बहुत अच्छा है, बट अब जैसे हम सिर्फ कोरा ऐसे ही खा रहे, सादा खा रहे ना, तो हमें शुगर जो है वो हल्की सी कम लग रही है, बट मार्केट के कंपैरिजन जैसी मार्केट में होती है जो नॉर्मल मावा हम लेते हैं तो बहुत मीठा नहीं होता ना, तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगर आप सादा ऐसे खाने के लिए तो आप शुगर ज़रूर इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड ज़रूर कर लीजिए, बट इसमें शुगर ऐसा नहीं है कि है ही नहीं है, हमारा जो हमने मिल्क पाउडर ऐड किया उसकी वजह से इसमें मिल्क में हमारे मावा में है, फ्लेवर अच्छा आ रहा है। बट अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा अगर जो लोग मीठा खाते हैं या फिर नॉर्मल जो लोग भी मीठा खाते हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो फैमिली होप सो आपको मेरी वीडियो एंड मेरी रेसिपी जो हमने आज आपको एक छोटी सी टिप्स से मावा बनाना सिखाया वो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।